पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गोये गुजरे, हर कोई एक से बढ़कर एक था। हर एक ने अपनी अलग पहचान बनाई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी गुलकारा के मुतालिक है, जिसने गजल गायकी में अपना नाम और मुकाम पैदा किया, जो खुद ही हारमोनियम प्ले करती थी और खुद ही गाती थी। हमारे ख्याल से पाकिस्तान की वाहद फीमेल गुलकारा थी पाकिस्तान की अजीम गजल गायिका मुन्नी बेगम साहिबा। मुन्नी बेगम, जिसने 1947 में पाकिस्तान की मोहब्बत में इंडिया छोड़ा और फिर 1971 की जंग में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहां से हिजरत करके कराची आ गई। मुन्नी बेगम बंगाली थी, लेकिन उसे मोहब्बत पाकिस्तान से थी, जिस वजह से ढाका से हिजरत करके पाकिस्तान आई और हमेशा के लिए यही की हो गई। हालांकि पाकिस्तान में बहुत तंग दस्ती और सोबते बर्दाश्त की। 1946 में मशरकी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में पैदा होने वाली नादरा बेगम, टोटल 7 बहन भाई थे जिनमें नादरा बेगम तीसरे नंबर पर थी। वालिद बचपन में ही वफात पा गए। अपने बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए आगे बढ़ी और मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको बचपन से ही गायकी का बहुत शौक था। मगर यह गरीब घराना था। मुन्नी बेगम ने इब्तदाई मौसीकी की तालीम उस्ताद ख्वाजा गुलाम रसूल से हासिल की। ढाका में कायम शाहीन स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल के सालाना फंक्शंस में गुलकारी का मुकाबला होता था, जिसमें नादरा बेगम ने भी हिस्सा लिया। उस फंक्शंस में नादरा ने बंगाली जुबान में गीत और एक नात पढ़ी और इसी के साथ साथ उर्दू में भी गुलकारी की, और इन तीनों फॉर्मेट्स में नादरा बेगम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सुनने वालों ने नादरा की आवाज और सुर को बहुत पसंद किया। उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने जब उस बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम नादरा बेगम है। स्कूल प्रिंसिपल उसकी आवाज और फन के मोतरफ हो चुके थे और ये जान चुके थे कि यह बच्ची बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। उसने नादरा के वालिद को स्कूल बुलाकर समझाया कि यह बच्ची बहुत अच्छी गुलकारा बन सकती है, इसको सपोर्ट करो, और साथ ये भी कहा कि उसका नाम तब्दील करके मुन्नी बेगम रख दो। और यूं नादरा से मुन्नी बेगम बन गईं। उस दौर में मुन्नी बेगम के वालिद भी हयात थे। स्कूल और मुख्तलिफ प्राइवेट जगहों पर मुन्नी बेगम की गुलकारी का सिलसिला जारी रहा। फिर 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान के हालात खराब होना शुरू हुए तो मुन्नी बेगम अपनी फैमिली के हमरा मुहाजरीन की शक्ल में कराची आ गईं और यहाँ आकर कराची के गुंजान रेतले इलाके में बेयारों मददगार बस गए। झुग्गियों और बस्तियों में रहने पर मजबूर हो गए। बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इन हालात में भी मुन्नी बेगम की गुलकारी का शौक मान नहीं पड़ा। उसने कोशिशें जारी रखी, स्टेज थिएटर और मेलों ठेलों में अपनी गुलकारी के फन को जारी रखा। फिर 1976 में मुन्नी बेगम और घर वालों ने पैसे जमा किए ताकि उसकी ऑडियो कैसेट रिलीज की जा सके। चूंकि ये घराना पाकिस्तान आ चुका था, मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था, तो मुन्नी बेगम की कैसेट उर्दू में रिलीज करने का फैसला किया गया। हालांकि उसे उर्दू से ज्यादा अपनी मादरी जुबान बंगाली पर अबूर था, लेकिन खुद को मनवाने के लिए आसान उर्दू का इंतखाब किया गया ताकि पाकिस्तान में मशहूर हो सके। 1976 में मुन्नी बेगम की पहली ऑडियो कैसेट रिलीज हुई। इस कैसेट ने देखते ही देखते हर तरफ धूम मचा दी। मुन्नी बेगम की आवाज और गजलों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन मुन्नी बेगम को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर मशहूर हो चुकी है। जब म्यूजिक कंपनी ने रॉयल्टी की मद में मुन्नी बेगम को पैसे देने के लिए बुलाया तो वो लम्हात उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। उसको रॉयल्टी की मद में एक चेक दिया गया, जिसको देखकर मुन्नी बेगम हैरान हो गई, क्योंकि वो चेक 7,000 रुपए का था। लेकिन इस हैरानगी ने उसके होश तब उड़ाए जब मालूम हुआ कि ये 7,000 नहीं बल्कि 70,000 रुपए हैं। मुन्नी बेगम को लगा कि वो ख्वाब देख रही है। 70 की दहाई में 70,000 रुपए आज के करोड़ों रुपए बनते हैं। बस फिर यहां से मुन्नी बेगम के कामयाब सफर का आगाज हुआ और सब कुछ तब्दील हो गया। मेहनत रंग ले आई, खाना बदोश और झुग्गियों से निकलकर बाइज्जत जगह पर अपना घर बनाया, जहां अपने बहन भाइयों को रखा, अपने तमाम बहन भाइयों को मुकम्मल सपोर्ट किया, क्योंकि मुन्नी बेगम के वालिद ने उसे यही कहा था कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। मुन्नी बेगम को सरद पार भी सुना जाने लगा, कतील शिफाई की गजलों को गाया। चमन में आप अपना गुजारा नहीं है मेरे, हम नशी चल कहीं और चल। मुन्नी बेगम ने अपनी गायकी में शराब बहुत गाई, जो इससे कबल किसी भी फीमेल सिंगर ने ऐसा नहीं किया था। इसी के साथ साथ मुन्नी बेगम वाहद गुलकारा थी जो स्टेज पर खुद हारमोनियम बजाकर गजलें गाती थी। इससे कबल सिर्फ मर्द हजरात ही हारमोनियम का इस्तेमाल करते थे। कई गजलें और गीत जो मुन्नी बेगम की आवाज से हमेशा के लिए अमर हो गईं, जिनमें मशहूर जमाना गजल एक बार मुस्कुरा दो, इस गजल ने शानदार मकबूलियत हासिल की और इस गजल को मुन्नी बेगम के सिवा कोई और नहीं गा सका। यानी जो मकबूलियत इस गजल में उसकी आवाज को मिली, शायद किसी दूसरी आवाज को नहीं मिल सकी। में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन
कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। उन्नी बेगम को सुनने वाले बाजोक लोग जो टीवी और निजी महफिलों में उसकी परफॉर्मेंस पर झूम उठते। फिर ऐसा वक्त भी आया कि मुन्नी बेगम ने पूरी दुनिया में कंसर्ट्स किए। इंडिया, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां गीत गजलों को सुनने वाले बाजोक लोग मौजूद थे, उन्होंने मुन्नी बेगम की फरमाइश की। मुन्नी बेगम की दूसरी गजल जिसने हमेशा के लिए उसको अमर कर दिया, ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अपना गुजारा नहीं। ये गजल भी मुन्नी बेगम की पहचान बनी। इसके अलावा भी कई मशहूर गजलें और गीत जो आज तक कानों में रस खोलते हैं। शोहरत, मकबूलियत, इज्जत, दौलत सब कुछ आ जाने से मुन्नी बेगम ने अपने तमाम तर ख्वाब पूरे किए। सुनने में आया था कि 1980 में एक पाकिस्तानी नसाद अमेरिकन से शादी की, जिसमें से अल्लाह पाक ने दो बेटियां और एक बेटे की नेमत से नवाजा। शोहर का ताल्लुक मीडिया से था, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी। 8 सालों बाद तलाक हो गई, लेकिन शोहर से शादी के बाद वहां की नेशनैलिटी हासिल की और तमाम बच्चों को भी वहां ग्रीन कार्ड मिल गए। बच्चे अपने वालिद के हमरा अमेरिका में मुकीम रहे, जबकि मुन्नी बेगम ने अपने फनी सफर को पाकिस्तान में जारी रखा। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर सिंध ने तमगा इम्तियाज बराए हुस्ने कारकर्दगी दिया। अपने बच्चों की खातर दोबारा शादी नहीं की, उन्हीं की परवरिश और तालीम और तरबियत की खातर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आज माशाल्लाह तमाम बच्चे जवान हो चुके हैं, अपनी अपनी जिंदगी में मुकम्मल सेटल हैं, शादियां भी हो चुकी हैं। पिछले चंद सालों से मुन्नी बेगम अमेरिका के शहर शिकागो में मुकीम हैं। कभी कभार पाकिस्तान आती हैं और टीवी इंटरव्यूज में देखा जाता है। अमेरिका में निजी महफिलों में बाजोक लोग आज भी मुन्नी बेगम को सुनते हैं, अपना वक्त अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ गुजारती हैं, सोमो सलात की पाबंद हैं, खुशहाल, मुतमईन, पुरसकून और पुरएतमाद जिंदगी बसर कर रही हैं। गुर्बत में आंख खोलने वाली मुन्नी बेगम, जिसने मेहनत लगन से साबित किया कि इंसान चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है, वही मुन्नी बेगम जो मुहाजिर बनकर कराची में आई और मुहाजिर कैंपों में कसम पुरसे की जिंदगी गुजारती रही, उसी मुन्नी बेगम को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया, जिसने पूरी दुनिया में शोहरत समेटी और आज अमेरिका में मुकीम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुन्नी बेगम को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप जहां भी रहें खुश रहें। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में आपका नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। दोस्तों, अगर आप मुन्नी बेगम को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दिगर नामवर फनकारों और गुलकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोज के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोज हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोज का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।